हेलो दोस्तों, आपके हमारे चैनल पॉलीडेस्क्यूब में स्वागत है। हम बात करने वाले हैं विस्कोसिटी के बारे में, और इसके जो फार्मूले हमने डिराइव कर चुके पिछले वीडियो में, लेकिन उसका हम यूनिटी हमें पढ़ेंगे और जो फार्मूला उसको देखेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी देखेंगे और काइनेमेटिक विस्कोसिटी उसके फार्मूले और उसके यूनिट के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, हम सबसे पहले वीडियो लाए थे जो छोटा सा, वो आपको दिखाते हैं विस्कोसिटी डिफरेंट क्या होता है, तो इसकी सहायता से आप विस्कोसिटी आराम से देख पाएंगे। दोस्तों, हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि ये जो वाली प्लेट है ये फिक्स है, इसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है, और ये वेलोसिटी वी से मूव कराएंगे। जब यहाँ फोर्स लगाएंगे तो वेलोसिटी इसकी वी हो जाएगी, बिल्कुल वही कंडीशन यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर दोनों में ये अंतर है कि ये जो फ्लूड है इसकी विस्कोसिटी, इसकी श्यानता बहुत कम है और इसकी विस्कोसिटी हाई है। तो हम देखते हैं इसमें डिफरेंस क्या है और विस्कोसिटी के कारण, विस्कोसिटी का परिवर्तन कारण कौन कौन से चेंजेज होते हैं फ्लूड में। तो आप यहाँ पे देखें, वीडियो का आराम से देखिए और क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं, क्या कितना वेलोसिटी, कौन कितना मूव हो रहा है, ये आप आराम से देखिए। वेलोसिटी देखिए, ऊपर वाला पार्टिकल मूव हो रहा है, यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं। तो देख रहे हैं ना, नीचे वाला क्या हुआ, फिक्स है, और ये वाला क्या हुआ, इतना मूव हुआ। एक्चुअली क्या होता है, ये इसमें लेयर वाइज लेयर वाइज लेयर वाइज लेयर वाइज इसको हम फ्लूड को बांट देते हैं। तो क्या होता है, जो नीचे वाला लेयर है ये तो ये इसको जो नीचे बाउंड्री में है, और ये वाला लेयर इसको तो मूव ही नहीं करने दे रहा, इसलिए इसकी वेलोसिटी क्या है, नीचे वाले की जीरो है। ये लेयर ऊपर वाले का अप्रोच कर रहा है, फिर ये इसके ऊपर वाले का अप्रोच कर रहा है कि तुम आगे मत जाओ आगे मत जाओ, लेकिन फ्लो हमने जो फोर्स लगाया उसके कारण ये इतनी मूव हुई, इतनी दूरी आई। तो दोस्तों, ये है विस्कोसिटी कारण। और इसमें देखिए, यहाँ पे इसमें इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा थी, ये एक दूसरे लेयर को ज़्यादा अप्रोच कर रहे थे कि तुम आगे मत जाओ, तो ये विस्कोसिटी ये यहाँ तक इतनी ही मूव हो पाई। तो दोस्तों, आज ये देखते हैं फिर डिफिनेशन क्या कहता है। कहते हैं, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूड विच ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लूड ओवर अनदर एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूड। कहते हैं कि ये फ्लूड की वह प्रॉपर्टी जो एक दूसरे लेयर को, अपने जो बगल की जो लगी हुई लेयर हैं उनको मूवमेंट से रोकती है, तो प्रॉपर्टी हमारी कहलाती है श्यानता या विस्कोसिटी। दोस्तों, हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की। इसको बोलते हैं हम न्यूटन का गति श्यानता नियम। वो क्या है, ये बोलता है, इट स्टेट्स दैट शियर स्ट्रेस टाउ ऑन अ फ्लूड एलिमेंट लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में इसको बात कर चुका है, शियर स्ट्रेन क्या होता है। तो क्या बोलता है कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता है वो हमारे शियर स्ट्रेन रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये हटा टाउ इक्वल टू टाउ प्रोपोर्शनल डी यू अपान डी वाई। अगर हम टाउ इक्वल लिखना चाहें तो होगा म्यू इंटू डी यू अपान डी वाई। वहीं अगर हम इसको म्यू के टर्म में लिखना चाहें, इसको बोलते हैं म्यू, इसको बोलते हैं हम म्यू, तो ये होगा म्यू इक्वल टू टाउ अपान डी यू अपान डी वाई। दोस्तों, आज हम इसकी यूनिट भी निकालना सीखेंगे। तो टाउ होता है हमारा फोर्स अपान एरिया, इसको हम ध्यान में रखेंगे। देखिए, अगर हम इसको लिखना चाहें, फोर्स अपान एरिया टाउ हो गया, डी यू क्या होता है, लेंथ अपान टाइम। अगर इसको लिखना चाहें तो लेंथ अपान टाइम। वहीं अगर डी वाई करें तो हो जाएगा, ये वन अपान है तो वन अपान लेंथ, ये भी होगा। दोस्तों देखिए, लेंथ से लेंथ कट जा रहा है। अगर हम इसको नीचे लाएं तो हो जाएगा फोर्स अपान एरिया, और इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा इनटू टाइम। दोस्तों, हमको पता है फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, टाइम को होती है सेकेंड, और एरिया को होती है मीटर स्क्वायर। तो इसकी जो यूनिट आई, जो इकाई है, क्या हुई, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो इसी को हमने यहाँ पे लिखा, क्या, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों, हमें पता है दोस्तों, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू होता पास्कल, लिख दे पास्कल। वहीं अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो ये होता है वन न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू टेन पॉइज, इसको याद रखना है। विस्कोसिटी ऑफ वाटर जो होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वो होता है 0.001 पॉइज, और इसको लिखना चाहें तो 1 सेंटीपॉइज भी लिख सकते हैं। दोस्तों, वहीं अगर इसकी वीमा की बात करें, वीमा जिसको बोलते हैं हम डायमेंशन, तो वो होगा हमारा, अभी हम बात किए न्यूटन सेकेंड प
पर मीटर स्क्वायर इसकी क्या होगी, यूनिट हो गई। अगर न्यूटन है तो इसका होगा एम एल टी माइनस टू, इंटू अगर सेकेंड है तो इसकी भी हो जाएगी टी अपान मीटर स्क्वायर एल टू। तो एल से एक एल यहाँ पर कट जाएगा, तो ये बचेगा हमारा एम एल को अगर ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर माइनस वन, तो एम एल माइनस वन, यहीं पर इसकी पावर माइनस टू है और ये प्लस वन, अगर दोनों को मल्टीप्लाई है इसको ऐड करेंगे तो बचेगा माइनस वन। तो इसकी विस्कोसिटी क्या हुई, यूनिट एम एल माइनस वन टी माइनस वन। वहीं हम बात करने जा रहे हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। ये कहता है इट इज द रेशियो बिटवीन डायनेमिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो न्यू इक्वल टू होता है विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, तो म्यू अपॉन रो। वहीं अगर इसकी वीमा की बात करें तो हमने देखा वीमा म्यू की क्या थी, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, यहाँ पे माइनस वन। और रो की क्या बात करें, अगर हम बात किए थे रो इक्वल टू होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो हो जाएगा के जी बात एम एल माइनस थ्री हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा एम एल माइनस थ्री, तो एम से एम कैंसिल। अब देखिए ए माइनस क्या है, माइनस थ्री, ऊपर जाएगा तो प्लस थ्री हो जाएगा, तो प्लस थ्री माइनस वन, ये क्या हो जाएगा प्लस टू, तो इसको लिख सकते हैं एल टू टी माइनस वन। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वीमा क्या हुई हमारी, एल टू माइनस वन। अगर यूनिट की बात करें तो होगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, आप यहीं देख सकते हैं मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगर हम सीजीएस यूनिट जिसको हम स्टोक से के नाम से भी जानते हैं वो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगर हम एसआई यूनिट को ही वन स्टोक को अगर हम एसआई यूनिट में चेंज करना चाहें तो हमको टेन टू पावर माइनस फोर से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि वन स्टोक इक्वल टू होता है टेन टू पावर माइनस फोर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आप ऐसे भी पता कर सकते हैं कि वन सेंटीमीटर में होता है टेन टू पावर माइनस टू मीटर, वहीं इसका अगर स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा टेन टू पावर माइनस फोर मीटर स्क्वायर और यहाँ पे क्या है सेकेंड। तो ये इस तरह आता है हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी।